क्यों बुलाया मेरे को, क्या हो गया? हाँ यार, कहाँ हो यार, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पूनम आई थी भाई, बहुत गुस्से में थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या प्रॉब्लम चल रही है भाई तुम दोनों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है, और क्या प्रॉब्लम होगी? मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता है, और हैप्पी वुमन इज मिथ। तू वो बैटमैन वाली को जानता है? जब तक वो बैटमैन नहीं बना था ना, तब तक तुम तो निठल्ले हो, नकारा हो, तुम तो ना पूछ सको, तुम जैसे इंसान के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ, बोलती थी। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, बस तुम तो बैटमैन बन गए हो, तुम तो सुपरमैन बन गए हो, तो तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो एक नॉर्मल इंसान की जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ये सब कहानियों का दोष है, लड़ी बॉलीवुड मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी भाई कोई नहीं बताता है, इसके बाद की स्टोरी मैं बताता हूँ अभी। इसके बाद दो दिन अगर लड़के ने लड़की को हक नहीं किया ना, तो प्रॉब्लम, हक किया तो प्रॉब्लम, बल्कि यू आर सो चीप, इतना भी अच्छा नहीं लगता है। और भाई शॉपिंग खत्म नहीं होती है इनकी, जो चीज लेने जाएंगी वो चीज तो लेके आएंगी नहीं, तो ऑब्सेस से दिमाग काटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। 5 घंटे मॉल में बिताने के बाद एक सड़ी सी चप्पल उठा के लेके आएंगी, फिर दो हफ्ते बाद दिमाग काटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है, टेबल लेना है। भाई तुझे मालूम है शादीशुदा आदमी ऑफिस के लिए लेट क्यों होते हैं? क्योंकि जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार होते हैं ना भाई, वो उठते ही लेट है ताकि साले बात ही ना करनी पड़े, बस उठो, तैयार हो और भागो। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भाई इन सबका सबसे बड़ा सियापा ये है कि इन सबको सेक्स के बाद भी बात करनी है। भाई पागल हो क्या? क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। अरे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में तो भाई इन सबसे जीत ही नहीं सकते हो। आज की बात पे आज झगड़ा होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। ये साला खुद को पता भी नहीं चलेगा क्या बात थी, क्या झगड़ा हुआ था 2 महीने पहले। भाई ये आर्ग्यूमेंट वाला किस्सा मेरे साथ भी हो चुका है। ठीक है, आज के बाद अगर पूनम का फोन भी आया ना, उसको बोला मैं उससे मिलना नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता हूँ मैं उससे, बोल देना। इन लड़कियों से ना मुझको नफरत सी हो गई है। भाई फोन आ रहा है। हाँ बेबी, हेलो बेबी, आप बस आ रहा हूँ बेबी, 2 मिनट बेबी, आप बस निकल गया बेबी। ओके बेबी, ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला।